हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर किचन में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के मेन्यू में हम बनाने वाले हैं राजमे से स्पेशल रेसिपी। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो को। ये देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने एक कटोरी बड़ी जो बाउल होता है उसमें भिगो कर रख दिए थे ये पूरी रात के लिए। आपको पूरी रात भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें गुनगुने पानी में भी भिगो कर रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। तो ये करीब मैंने एक कटोरी भिगो कर रख दिए थे रात भर, और ये इस तरीके से हो गए। मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है, अब इन्हें हम कुकर में चढ़ा देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने दो लौंग ले ली हैं और एक बड़ी इलायची ले ली है। इनको डाल देंगे इसी में, चुटकी बराबर डाल देंगे इसमें खाने का सोडा, थोड़ा सा डाल देंगे करीब आधा चम्मच के करीब नमक। आप चाहे तो यहीं पर लहसुन की कली भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं आज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करूंगी, इसे बिना लहसुन के ही बनाऊंगी। तो चलिए पानी डाल लेते हैं और कुकर बंद करके सीटी लगा लेते हैं। आपको केड़े या पतले जिस हिसाब से बनाने हैं आप उस हिसाब से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ इसमें, तो अब इसमें सीटी लगा देंगे बंद करके। फ्रेंड्स, हमारे राजमा हो गया है, इसको देख लेंगे। मैंने इसे इसमें करीब 4 से 5 सीटी लगा ली हैं और ये बंद कर मतलब सीटी निकलने तक मैंने इसका वेट किया है। अब इसे देख लेते हैं उघाड़ के कैसे बने हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, कुछ इस तरीके के बन गए हैं और ये बहुत ही अच्छे बने हैं। वीडियो में शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे बने हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ एक निकाल के। ये देख सकते हैं बहुत ईजी से टूट रहा है। तो अब फटाफट से इसका पानी निकाल लेंगे और इनको राजमे को अलग कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसका पानी हमने साइड कर दिया है, इसे फेंकेंगे नहीं, या तो आटा गूंथने में या फिर किसी ठंडा करके किसी पौधे में डाल देंगे। तो देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया हो गए हैं। अब चल देते हैं कढ़ाई की तरफ। मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल है ये। अब ये गर्म हो गया है, इसमें अपने जो गर्म मसाले हैं उनको ऐड कर लेंगे खड़े। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमने पहले ही उसमें गरम खड़े मसाले ऐड किए हुए हैं, उबाला था जब, तो हम यहाँ पर कम ही ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी छोंकने में खड़े मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी को एक एक करके डाल देते हैं। ये जीरा है 1 चम्मच और ये 2 कड़ी पत्ता हैं, 2 लौंग हैं, इनको डाल देंगे। ये फ्रेंड प्याज काट लिए 2 मीडियम साइज के, और ये 4 हरी मिर्च हैं, और ये 2 बड़े टमाटर बारीक साइज में काट लिए हमने। ये एक कद्दूकस कर लिया है अदरक को। अब चाहें तो आप मिक्सी कर सकते हैं, पर यहाँ पर इस तरीके से टेस्ट जो आता है वो अलग ही टेस्ट है, तो मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। तो डाल देंगे प्याज, सारी प्याज को इसी तरीके से डाल देंगे। इसको चला लेंगे फ्रेंड अच्छे से। अगर आप चाहें तो लहसुन भी कद्दूकस करके या फिर मिक्सी में डाल सकते हैं। मैं यहाँ लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे इसी तरीके से। डाल देंगे यहाँ पर हींग, ये स्ट्रॉन्ग हींग है, आप चाहें तो नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं हींग का। और ये राजमा की सब्जी जो हम बना रहे हैं इसको डाइजेस्ट करने के लिए हींग की तो ज़रूरत पड़ेगी ही हमें। अच्छे से चला लेंगे इसको। डाल देंगे अदरक को यहाँ पे, अच्छे से भून लेंगे इसको। और इनका जो फ्लेवर आता है फ्रेंड्स वो बहुत ही अलग है, और अदरक का तो आपने देखा ही होगा बेनिफिट कितना अच्छा होता है। अच्छे से इसको चला लेंगे। हरी मिर्च को भी डाल लेंगे यहीं पर, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, हमारी प्याज भून गई अच्छे से, कलर आ गया है इस पर। अब यहीं पे डाल देंगे हम टमाटर कटे हुए, जो कि इस तरीके से काट लिए थे मैंने। आप चाहें तो मिक्सी भी कर सकते हैं, पर मैं इस तरीके से काट कर डालने वाली हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐड कर देंगे नमक। याद रहे नमक हमने उबालने में भी डाला था, तो यहाँ पर कम ही डालेंगे। और डाल देंगे हल्दी 1/2 चम्मच के करीब, अच्छे से इसको चला लेंगे। डाल देंगे 1 चम्मच धनिया कुटा हुआ, और साथ में डाल देंगे मिर्च। मिर्च आप अपने हिसाब से डालें। इसको अच्छे से चला लेंगे। इसको हम तेल छोड़ने तक अच्छे से पका लेंगे। अभी हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मसाले ने अपना पानी घी छोड़ दिया है, तो इसमें थोड़ा ही पानी डालेंगे। इस वक्त हम इसे अच्छे से चलाकर और ढककर पका लेंगे 2 मिनट के लिए। कलर में और अच्छा आ गया है, खुशबू भी अच्छी आने लगी है इसमें से।
इसको फ्रेंड ढककर पका लेंगे इसको। फ्रेंड्स मैं आपको याद दिला दूं यहाँ पर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कैसी रेसिपी और कैसी बना रही हूँ। तो इसमें तो वीडियो में स्किप करके नहीं देखना बनता, तो शुरू से लास्ट तक देखें बिना स्किप करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो उघाड़ कर देख लेंगे। तो फ्रेंड्स प्लेट गर्म है, आप आराम से पकड़ें किसी कपड़े से या फिर किसी और चीज़ से पकड़ें इसको। ये बहुत गर्म थी और देख सकते हैं हमारा मसाला भूनकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड कर देंगे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उसी के हिसाब से। तो चलिए डाल देते हैं पानी को। पानी डाल देंगे, मुझे सिर्फ इसमें इतने ही पानी डालना है, आप चाहें तो पतला कर सकते हैं। और मैं इसको अच्छे से पका लूँगी ढककर। देख सकते हैं फ्रेंड हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें राजमा डाल देंगे अपना, राजमा इसमें अच्छे से चला लेंगे और एक दो मिनट के लिए और पका लेंगे। अगर आपको इस पानी मतलब इसमें ग्रेवी आपको कैड़ी लगती है या फिर आपको यहाँ पर पानी डालना है तो ऐड कर सकते हैं और ढककर उबाल सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ग्रेवी में पानी डालना है तो गर्म ही यूज़ कर सकते हैं, ठंडे से हमारा टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो चलिए ढककर पका लेंगे इसको। देख सकते हैं फ्रेंड हमारा राजमा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब हम इस पर क्या करेंगे, फैटी हुई क्रीम डाल देंगे थोड़ी सी। हमने ये मलाई फैट के हल्की सी इसमें डाल दिया। अगर आपके पास अमूल क्रीम हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इसमें कम ही मसालों का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो खूब तीखे मसाले डाल सकते हैं, तीखी सब्ज़ी बना सकते हैं। ये हमने सिंपल बनाई है बिल्कुल, जो कि हमें सिंपल ही पसंद है। तो चलिए इन्जॉय कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।